अष्टमी और नवमी में बनने वाला प्रसाद काले चने की सब्जी जो बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही टेस्टी, तो चलिए बनाते हैं इसको। बनाने के लिए हमने चना लिया हुआ है, काला चना है। इसको हमने 6 से 7 घंटे तक भिगो कर रख दिया था और 1 कटोरी चना लिए हुए हैं। चना को हमने अच्छे से धुल लिया है और धो करके इस कुकर में डाल देंगे। इसके बाद जिस कटोरी से हमने चना लिया हुआ था उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी इसमें डाल देंगे। तो देखिए अब 3 कटोरी पानी इसमें हमने डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें डाल देंगे नमक, और नमक डाल करके इसको हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और कुकर ढक्कन लगाने के बाद इसको गैस पर रख करके कम से कम 5 से 6 सीटी लगाएंगे। अब इसके बाद हमने कुकर को गैस पर रख दिया, इधर मसाला भी हम तैयार कर लेंगे। तो मसालों में हमने पहले लिया हुआ है हल्दी पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखा नहीं होता, थोड़ा कलर अच्छा आएगा। और ये है धनिया पाउडर पूरे करके 1 चम्मच लिए हुए हमने। और इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे ये है काले चने का मसाला, यानी चना मसाला है, इसको भी हमने ले लिया है। और उसमें मिला करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हम अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मसाले हम इसलिए भिगो कर रखेंगे जिससे मसाले अच्छे से फूल जाएंगे, और जब चना का सब्जी हम बनाएंगे तो ये मतलब अच्छे से इसमें पक जाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट इससे आता है। इसलिए पहले मसालों को हम भिगो करके रख देंगे जिससे अच्छे से फूल जाए, तो इसको अब साइड में रख देते हैं। इसके बाद हमने प्रेशर कुकर का जब सीटी निकल जाएगा तब इसको खोलेंगे। तो हमने सीटी लगाया हुआ है, 6 सीटी लगाए हैं, और उसके बाद देख लेते हैं चना जो है हमारा पका है कि नहीं। तो चने को देखने के लिए थोड़ा सा एक चना ले लेंगे और दबा कर देख लेंगे कि ये अच्छे से पक गया है कि नहीं। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये चना अच्छे से पक गया है, और देखिए चना अच्छे से फूट जा रहा है। तो अब इसके बाद इस दूसरे बर्तन में इस चने को हम निकालेंगे, पानी सहित ही निकालेंगे। इसका पानी अभी हम फेंकेंगे नहीं, अब फेंकना भी नहीं है पानी इसको। तो इसमें नमक पड़ा हुआ है तो इसे ही इसको भी हम रख देंगे। अब इसके बाद इसको रखते हैं साइड में। अब इसके बाद चलते हैं कढ़ाई लेते हैं, और इस कढ़ाई में डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच घी। फ्रेंड्स अगर आप लोग घी में नहीं बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से आप लोग जिस तेल में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इसको हमने घी में बना लिया। अब इसके बाद जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे जीरा, और जब जीरा तड़क जाएगा थोड़ा सा डाल देंगे इसमें 1 पिंच हींग। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हींग जरूर डालना चाहिए। अब इसके बाद देखिए हमने 1 पिंच हींग भी डाल दिया है। अब दोनों जब जीरा और हींग तड़क जाएंगे तब फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसालों को घोल करके रखा हुआ है फूलने के लिए, उसको डाल देंगे और इसको हम भूनेंगे। तो अब देख पा रहे हैं इस मसालों को हमने घी में डाल दिया है, अब इसको हम भूनेंगे। तो फ्रेंड्स इससे हमको कैसे पता लगेगा कि अच्छे से ये मसाला हमारा भून गया है? तभी आप लोग देखिएगा जब ये मसाले हमारे अच्छे से भून जाएंगे तो जो घी है ना ऊपर आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे ये हमारा मसाला अच्छे से भून गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये घी पूरा ऊपर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप लोग। इसी तरह से मसाले भूनना है। और फ्रेंड्स इसमें मैं एक और चीज़ बताऊंगी जिससे जो आपके जो सब्जियां हैं मतलब बहुत ही अच्छी बनेंगी, और जो भी कन्याएं खाएंगी इसको छोड़ेंगी नहीं। अक्सर होता है ना कि जो सब्जियां बच्चे खाते हैं तो छोड़ देते हैं, तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो छूटेगा नहीं और बच्चे बहुत ही प्यार से खाएंगे। और देखिए बहुत हम तीखा भी नहीं बना रहे हैं, हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। आप लोग खुद देख लीजिए जो मसाले हैं ना दानेदार हो गए हैं, एकदम जैसे दाने दाने दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के मसाले होने चाहिए। इसके बाद हमने ऊपर से हरा मिर्चा 2 डाल दिया है थोड़ा सा तीखापन के लिए, और इस तरह से हरा मिर्चा डालने से ज़्यादा तीखी सब्जी नहीं होती है ऊपर से डालने से। अब इसके बाद जो हमने चना को बॉयल करके रखा है उसको भी इसमें हम डाल दिया है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ा नमक कम लग रहा है तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी नमक इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने नमक पहले डाल के उबाला हुआ है, तो हमको ज़्यादा नमक नहीं लग रहा है, और थोड़ा नमक कम ही तो अच्छा लगता है। इसके बाद इन सबको हम चला लेंगे, और फ्रेंड्स इसमें हम एक उबाल लाएंगे, और जब उबाल आएगा तब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, और उसी चम्मच से इसमें डाल देंगे अमचूर का पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे अमचूर का पाउडर डालने से। और जब अमचूर का पाउडर डाल देंगे इसके बाद हमने डाल दिया है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी से जो चने की सब्जी है बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगी। अब इसके बाद इन सबको हम डाल करके इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद फ्रेंड्स
इसको हम थोड़ा सा ढक करके भी पकाएंगे, जिससे जो मसाले जो भी हैं अच्छे से इसमें पक जाएं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये जो सब्ज़ी है कि मतलब ज़्यादा मतलब टाइट नहीं होगी, तो इसमें थोड़ी सी पानी हम जो है बचा के ही रखेंगे, मतलब जो ग्रेवी है इसमें बचा के रखना है, ग्रेवी एकदम सुखाना नहीं चाहिए। तो अभी देख लीजिए, हमने 2 मिनट इसको ढक दिया था, ज़्यादा नहीं ढके हैं, 2 मिनट के लिए ही ढके थे। और जो इतना ग्रेवी है इसी पे हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर ग्रेवी जब सूख जाती है तो जो चने होते हैं ना हार्ड हो जाते हैं, इतना ग्रेवी हम छोड़ देंगे। थोड़ी सी ग्रेवी रहती है तो चने हार्ड नहीं होते हैं। तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा और बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे। और इसके बाद ऊपर से धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। और इसमें और अच्छा टेस्ट लाने के लिए फ्रेंड्स चलते हैं, इसको अलग से भी तड़का थोड़ा सा लगा देते हैं। तो तड़का लगाने के लिए हम ले लेंगे, तड़का लगाने वाली कलछी है, इस कलछी में डाल देंगे 1 चम्मच घी। और ये घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मतलब पूरा गर्म कर देना है, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे क्रश किया हुआ अदरक। तो थोड़े से अदरक इसमें डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब अदरक इसमें अच्छे से पक जाएंगे तो जैसे कच्चापन ना आए, और थोड़ा जब पका लेंगे तब इसमें हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच इसमें काश्मीरी लाल मिर्च। इसके बाद इस तड़के को इस चने की सब्ज़ी में हम डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आ जाता है। और देखिए, ये हमारी काले चने की सब्ज़ी बन करके तैयार है। और अष्टमी और नवमी में आप लोग इस तरीके से काले चने का प्रसाद बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तरीका हमारा कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब तक आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।